हेलो नमस्कार दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। नए साल में एक नई उम्मीद होगा आप लोगों को। मैं कामना करता हूँ कि वो उम्मीद आपका पूरा हो और इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजिंग आएंगे लाइफ में, तो खुलकर एक्सेप्ट करना है। तो इसी के साथ हम फिर से एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। नए साल पे नया धमाका, पैरामेडिकल का वैकेंसी है, जो कि पैरामेडिकल में एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट तथा बहुत सारे वैकेंसियाँ हैं जो निकाला गया है। यह परमानेंट वैकेंसी है, तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर 1 से। आप यहाँ देखेंगे स्टाफ नर्स 4 फीमेल ओनली, इसका 80 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और उसके साथ GNM कोर्स होना चाहिए, और जिसके पास BSc नर्सिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग बोर्ड ऑफ ओडिशा में। ये जो वैकेंसी है ओडिशा में ही निकाला गया है SSC के द्वारा। यह परमानेंट वैकेंसी है, इसका सैलरी काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ देखेंगे 29,200 से 92,300 इसका सैलरी है। सीरियल नंबर 2 में देखेंगे फार्मासिस्ट का, टोटल 40 सीट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, और डिप्लोमा या बैचलर डिग्री होना चाहिए फार्मेसी से, और उड़ीसा का जो फार्मेसी काउंसलिंग है वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब हम देखेंगे जूनियर लैब टेक्नीशियन का, टोटल 40 सीट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, और उसके साथ साथ जो उड़ीसा का जो स्टेट में मेडिकल लैब टेक्नीशियन का जो बोर्ड है वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि पैरामेडिकल से आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उड़ीसा से। इसका भी सैलरी काफ़ी अच्छा है, 25,500 से 81,100 तक है। अब हम देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन का, टोटल 9 सीट है, और इसका भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी में, और वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जितने सारे पोस्ट हैं वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी सैलरी काफ़ी अच्छा है, 25,500 से 81,100 है। अब देखेंगे सीरियल नंबर 5 में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, टोटल 8 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, सॉरी, इसका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन थोड़ा अजीब मांग रहा है, बट डिप्लोमा इन फार्मेसी कह रहा है, बट यहाँ ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। हो सकता है यहाँ गलत दिया हुआ, हो सकता है कोई नोटिफिकेशन बाद में निकाल के इसे सुधार करेगा। अब सीरियल नंबर 6 में देखेंगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, टोटल 4 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी, इसमें भी सेम कर दिया है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। हालांकि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या असिस्टेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ओटी टेक्नीशियन या असिस्टेंट में, हालांकि दोनों में फार्मेसी कर दिया है, तो मे भी लगता है इसका नोटिफिकेशन फिर से जारी करके इसे सही करेगा। अब सीरियल नंबर 8 में देखेंगे ECG टेक्नीशियन का, टोटल 4 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और डिप्लोमा होना चाहिए ECG टेक्नोलॉजी में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ECG में, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। इसका भी सैलरी 25,500 से 81,100 तक है। सीरियल नंबर 9 में देखेंगे डेंटल टेक्नीशियन,
टोटल दो सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, उसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल टेक्नोलॉजी में। आप सीरियल नंबर 10 में देखेंगे CSSD टेक्नीशियन, टोटल एक सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और उसके साथ साथ CSSD में डिप्लोमा होना चाहिए, अभी मान्यता प्राप्त होना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। इसका भी सैलरी अच्छा है, 21,700 से 69,100 है इसका सैलरी। अब यहाँ देखेंगे सीरियल नंबर 11 में CSSD असिस्टेंट, इसका भी एक सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और डिप्लोमा होना चाहिए CSSD में, यानी कि दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है। सैलरी में थोड़ा अंतर है, 19,900 से 63,200 तक इसका सैलरी है असिस्टेंट का। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है 21 ईयर और मैक्सिमम है 38 ईयर, यानी कि बिना जो एज रिलैक्सेशन को हम नहीं ले रहे हैं, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज होगा जो कि हम आगे देखेंगे। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ये शॉर्ट नोटिस है। अप्लाई करने का जो डेट है वो जो फुल नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा तब मैं बताऊंगा आपको, मतलब कि किस स्टेट का कैंडिडेट जो है अप्लाई करेंगे किस का नहीं करेंगे, ये सब हम बाद में बताएंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।